डियर स्टूडेंट, आरसीआई एजू हब बांसुर की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बात कर रहे थे एग्रीकल्चर केमिस्ट्री सेकंड के अंदर पादपों के जो आवश्यक पोषक तत्व हैं, उनके जो फंक्शंस हैं, कौन कौन से फंक्शंस होते हैं, उनमें कुछ आयंस हैं, उनके फंक्शंस पढ़ चुके थे। नेक्स्ट में कैल्शियम कि जो फंक्शन है वो कौन कौन से कार्य होते हैं, तो यहाँ पे पॉइंट की बात करेंगे कैल्शियम के कार्य। तो यानी कैल्शियम जो होता है वो क्या काम करता है, ये फसलों के आनुवांशिक गुणों के लिए उत्तरदायी होता है। कैल्शियम जो होता है वो क्या होता है, फसलों के आनुवांशिक गुणों के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है और गुणसूत्रों के संरचनात्मक घटक के रूप में होता है। तो पहला पॉइंट क्या होता है, कैल्शियम का फंक्शन क्या होता है, फसलों के अनुवांशिक गुणों के लिए क्या होता है, उत्तरदायी। दूसरा, गुणसूत्रों के संरचनात्मक घटक के रूप में प्रयुक्त होता है। दूसरी बात कि कैल्शियम जो है वो प्रोटोप्लाज्म जो होता है आपका, उस प्रोटोप्लाज्म की जो पारगम्यता है उसको बनाए रखता है, जो कार्बोहाइड्रेट के संचालन में क्या होता है, सहायक। सेकेंड फंक्शन क्या हो जाएगा कि कैल्शियम जो है वो प्रोटोप्लाज्म की पारगम्यता है उसको बनाए रखता है, जो कार्बोहाइड्रेट के संचालन में सहायक होता है। पौधों के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट संचालन होता है उसमें वो क्या होता है, सहायक होता है। नेक्स्ट पॉइंट में दलहनी जो फसलें होती हैं उनकी जड़ों की ग्रंथियों के का विकास करता है। कैल्शियम क्या काम करता है, जो दलहनी फसलें होती हैं उनकी जड़ों की ग्रंथियों का क्या करता है, विकास। तो ये सभी क्या है, कैल्शियम के कार्य। पहला फंक्शन क्या होता है, कैल्शियम फसलों के आनुवांशिक गुणों के लिए उत्तरदायी होता है। कैल्शियम फसलों के आनुवंशिक गुणों के लिए उत्तरदायी होता है। कैल्शियम जो होता है वो क्या कहता है कि फसलों के आनुवंशिक गुणों के लिए उत्तरदायी होता है और गुणसूत्रों का ये जो है वो क्या होता है, संरचनात्मक घटक होता है। यह गुणसूत्रों का संरचनात्मक घटक होता है। दूसरी बात कि जो कैल्शियम है प्रोटोप्लाज्म की पारगम्यता को बनाए रखता है, यह प्रोटोप्लाज्म की पारगम्यता को बनाए रखता है, जो पौधों में कार्बोहाइड्रेट के संचालन में सहायक होता है। जो पौधों में कार्बोहाइड्रेट के संचालन में सहायक होता है, जो पौधों में कार्बोहाइड्रेट के संचालन में क्या होता है, यह दलहनी जो फसलें होती हैं, दलहनी फसलों की जड़ों में ग्रंथियों का विकास करता है, ग्रंथियों का विकास करता है। तो डियर स्टूडेंट, ये कैल्शियम के जो कार्य होते हैं क्या वो काम करता है, कैल्शियम जो है वो फसलों के आनुवांशिक गुणों के लिए क्या होता है, उत्तरदायी। गुणसूत्रों का क्या होता है, संरचनात्मक घटक। प्रोटोप्लाज्म की जो पारगम्यता है इसको बनाए रखता है, जो पौधों के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट का जो संचालन है उसमें क्या होता है, सहायक। नेक्स्ट, दलहनी जो फसलें हैं उनकी जड़ों में ग्रंथियों का विकास करता है। तो ये है उनके कैल्शियम के कार्य। इसी के बाद में अपन नेक्स्ट पॉइंट बात करेंगे, इसमें मैग्नीशियम के कार्य। तो मैग्नीशियम के कार्य सेकेंड पॉइंट बात कर रहे हैं, एमजी मैग्नीशियम के कार्य। मैग्नीशियम के कार्य में बात करें तो मैग्नीशियम जो होता है पर्णहरित जो होता है क्लोरोफिल उसका प्रमुख अवयव होता है। मैग्नीशियम क्या होता है, पर्णहरित का एक प्रमुख अवयव होता है, जो पौधों में प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया होती है उसमें वृद्धि करता है। मैग्नीशियम जो है वो किसका अवयव है, पर्णहरित का प्रमुख अवयव है, पादपों में जो प्रकाश संश्लेषण है उसमें वृद्धि करता है।
ये अनेक प्रकार के जो एंजाइम्स हैं उनको उनका सक्रियण करता है। प्रोटीन है, वसा है, कार्बोहाइड्रेट है, उसके उपापचय में संबंधित होता है। यह जो होता है वो अनेक प्रकार के एंजाइमों को सक्रियण करता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा आदि का क्या करता है, उपापचय से संबंधित होता है। मैग्नीशियम जो है वो गुणसूत्रों का प्रमुख घटक होता है। मैग्नीशियम जो है वो क्या होता है, गुणसूत्रों का प्रमुख घटक होता है। पौधों में नाइट्रोजन उपापचय से संबंधित जो प्रक्रिया है वो फॉस्फोरिलीकरण जैसी जो क्रियाएं वो भी मैग्नीशियम के द्वारा प्रेरित की जाती है। तो ये है आपके मैग्नीशियम के कार्य। तो पहला काम क्या होता है कि जो मैग्नीशियम है वो पर्णहरित का क्या होता है, एक प्रमुख अवयव होता है जिसके द्वारा पौध जिसके बिना जो है पौधा हरा नहीं हो सकता। अनेक एंजाइमों का सक्रियण करता है, प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट का जो उपापचय है उससे संबंधित होता है। मैग्नीशियम गुणसूत्रों का एक मुख्य अवयव है जो वंशांगनि को नियंत्रित करता है। तो मैग्नीशियम जो है वो नाइट्रोजन उपापचय से संबंधित जो प्रक्रियाएं जैसे फॉस्फोरिलीकरण जैसी क्रियाएं वो भी मैग्नीशियम के द्वारा ही उत्तेजित की जाती है। तो देखो इसमें मैग्नीशियम के जो कार्य है उसमें क्या बताया, पर्णहरित का प्रमुख अवयव है। मैग्नीशियम जो है वो क्या होता है, पर्णहरित का प्रमुख अवयव है, पर्णहरित का प्रमुख अवयव। प्रकाश संश्लेषण में वृद्धि करता है, प्रकाश संश्लेषण में वृद्धि करता है। पहला फंक्शन क्या है कि जो मैग्नीशियम है वो क्या है, पर्णहरित का प्रमुख अवयव है, प्रकाश संश्लेषण में वृद्धि करता है। यह अनेक एंजाइमों का क्या करता है, सक्रियण करता है। यह अनेक एंजाइमों का सक्रियण करता है, यानी कि एंजाइमों का सक्रियण करता है जो कार्बोहाइड्रेट वसा के उपापचय से संबंधित होता है। यह कार्बोहाइड्रेट वसा उपापचय से किससे क्या होता है, संबंधित होता है। और पौधों में नाइट्रोजन उपापचय से संबंधित फॉस्फोरिलीकरण जैसी क्रियाएं भी पौधों में नाइट्रोजन उपापचय संबंधित क्रियाएं जैसे फॉस्फोरिलीकरण भी मैग्नीशियम आयनों से संबंधित होती है। तो ये है मैग्नीशियम के कार्य। नेक्स्ट पॉइंट में बात करेंगे सल्फर के कार्य। सल्फर के कार्य, सल्फर जो है उसके प्रमुख कार्य क्या है, सल्फर जो है वो भी एक पर्णहरित का अवयव नहीं है लेकिन पर्णहरित के बनने में क्या होता है, सहायक होता है, जो पादप की वानस्पतिक वृद्धि विकास में क्या होता है, सहायक। तो पहला पॉइंट क्या होता है, जो सल्फर है वो पर्णहरित का तो अवयव नहीं है लेकिन पर्णहरित के बनने में क्या होता है, सहायक, जो पादप की वानस्पतिक वृद्धि विकास में सहायक होता है। जो सल्फर है सिस्टीन है, सिस्टाइन है, मिथियोनिन अमीनो अम्लों का अवयव है जो प्रोटीन संश्लेषण में क्या होता है, सहायक। ये पौधों की जो जड़े हैं उनकी वृद्धि करता है, इन बीज के बनने में भी क्या होता है, सहायक होता है। सल्फर जो होता है वो पौधों की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है उसमें क्या करता है, वृद्धि। प्रकाश संश्लेषण से संबंधित एंजाइमों का क्या करता है, सक्रियण करता है, कार्बोहाइड्रेट के उपापचय में सहायक होता है। सल्फर जो है वो चारे में N/S नाइट्रोजन और सल्फर का जो रेशियो है उसको घटाकर चारे की जो गुणवत्ता है उसमें वृद्धि करता है। तो यहाँ पे काम क्या बताया, यह पर्णहरित का अवयव नहीं है, यह पर्णहरित का अवयव नहीं है लेकिन पर्णहरित के बनने में क्या होता है, सहायक होता है। लेकिन पर्णहरित के बनने में सहायक होता है,
जो पौधों के वानस्पतिक वृद्धि एवं विकास को प्रेरित करता है। पहला पॉइंट क्या बताया, प्राणाधित का प्रमुख अवयव है जो पौधों के वानस्पतिक वृद्धि एवं विकास को प्रेरित करता है, जो सल्फर है, सिस्टाइन मिथियोनिन अमीनो अम्लों का अवयव है जो प्रोटीन संश्लेषण में क्या होता है, सहायक। यह सिस्टाइन मिथियोनिन अमीनो अम्लों का अवयव है जो प्रोटीन संश्लेषण में सहायक होता है, प्रोटीन संश्लेषण में सहायक होता है। तो डियर स्टूडेंट, आज के लिए बस इतना ही काफी है। नेक्स्ट पॉइंट, अगले टॉपिक में बात करेंगे।